प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है क्योंकि सरकारी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चिकित्सक महासंघ ने काम बंद हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो मरीज को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस बार चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं दी जाएगी। शासकीय चिकित्सकों का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम समय समय पर आवश्यकता के अनुसार वेतन वृद्धि एवं चिकित्सा महाविद्यालयों और शासकीय अस्पतालों में प्रशासनिक अधिकारियों की दखलअंदाजी के खिलाफ उन्होंने फरवरी में आंदोलन किया था। उस समय मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें भरोसा दिया गया था, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बाद भी कोई खास पहल नहीं हुई है और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मांगों की मंजूरी से पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में अब काम बंद करके पूरी तरह से हड़ताल करेंगे। इसमें मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पतालों में सेवाएं दे रहे चिकित्सक एवं शिक्षक शामिल होंगे। डॉक्टरों ने ऐलान किया है कि हड़ताल के दौरान इस बार वो इमरजेंसी सुविधाएं भी नहीं देंगे। पहले से पता है कि पूरे प्रदेश के चिकित्सकों ने एक महासंघ बनाया जिसमें मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सक, शिक्षा विभाग एवं अपने ESI वाले एंड गैस राहत वाले सारे डॉक्टर्स ने मिलकर एक संघ बनाया है जिसको चिकित्सा महासंघ का नाम दिया गया है। उनकी एक 2-3 मिनिमम डिमांड्स थी, जैसे कि DACP लागू करना। DACP मतलब है कि समयमान वेतनमान बढ़ता जाए, मतलब एक समय के बाद डॉक्टर्स की इनकम में इंक्रीमेंट अपने आप लगता जाए। दूसरा हमारा डिमांड थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। तीसरी डिमांड थी कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की चिकित्सालयों में जो अनाधिकृत तरीके से इंट्रूजन होता था उसको बंद करना। तो इसके चलते हम लोगों ने 30 जनवरी को एक बार रैली निकाली थी और 17 फरवरी को हम लोगों ने हड़ताल करी थी, जो 15 तारीख को हम लोगों ने काली पट्टी बांधी थी, 16 तारीख को रूटीन काम बंद किया था और 17 तारीख को पूर्ण रूप से इमरजेंसी भी बंद करी थी। तब ये हुआ था कि माननीय शिवराज सिंह से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी का काम ये रहेगा कि जो भी DACP लागू करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना है उसमें क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा उसका काम ये कमेटी करेगी। तो कमेटी में हमारे कुछ डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने अपना काम करके IAS ऑफिसर्स जो हैं उनको सौंपा। पहले IAS ऑफिसर्स ने उस पर साइन कर दिया, हामी भर दी कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने जो हमको दिया है उसके लिए हम एग्री हैं। उसका माननीय शिवराज सिंह जी ने 1 महीने का समय दिया था, तो 1 महीने के अंदर हमारी कमेटी ने ये सब बना के उनको दे दिया। लेकिन अब 2.5 से 3 महीने होने जा रहा है, उस हाई पावर कमेटी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पे साइन नहीं किया जा रहा है। पहले साइन कर दिया गया था, बाद में IAS ऑफिसर्स ने मना कर दिया कि हम साइन नहीं कर सकते, हमको ये वापस करना पड़ेगा साइन हमारे। तो ये वादा खिलाफी है जो सरकार द्वारा की गई है कि पहले हाँ बोल के फिर ना बोला गया, एक हाई पावर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया गया जो झूठा साबित हुआ। तो यही सब मुद्दे हैं कि हमारी जो पुरानी डिमांड थी, हम लोगों ने बोला कि अब हमको फिर से वो पुरानी डिमांड के ऊपर 17 फरवरी को जो हड़ताल रोकी गई थी उसको आगे हमको चलाना पड़ेगा। तो उसी के तत्वाधान में हमारी ये हड़ताल 3 तारीख से फिर दोबारा चालू होगी। कब तक जारी रहेगी? यह अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार का और डॉक्टर्स के बीच का सामंजस्य नहीं बन जाए तब तक चलेगी। 3 तारीख से हमारा पूर्ण रूप से काम बंद रहेगा। NBCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।